Fine, guys. So, wait, wait. Puneet has a question. Rest of the people can turn off their audios, please. Please turn off your audios. Okay. Puneet has a question ki in order to kya hota hai aur conditional third kya hota hai. Yeah, Puneet? Yes, sir. Okay. Fine. तो सबसे पहले मैं कंडीशनल थर्ड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद इन ऑर्डर टू. तो चलिए शुरू करते हैं. हियर वी गो. सर कुड यू प्लीज शेयर द स्क्रीन. अभी कर रहे हैं. दो मिनट. आर यू एबल टू सी दिस? यस सर. देखिए कंडीशनल, अब इन्होंने थर्ड बोला है तो जरूर इससे पहले कंडीशनल सेकंड रहा होगा, कंडीशनल फर्स्ट भी रहा होगा, तभी तो थर्ड होगा. तो चूंकि थर्ड बोला है तो मैं थर्ड ही कराता हूँ. होता क्या है थर्ड में है? कि आप खड़े प्रेजेंट टाइम में हैं, प्रेजेंट टाइम है आपका अभी, और आप कल के बारे में, जो बीत गया, कल परसों पिछले महीने के बारे में अभी सोच रहे हैं, प्रेजेंट में सोच रहे हैं. कैसे सोच रहे हैं? मान लीजिए कि कल क्या हुआ कि यस्टरडे आप किसी दोस्त से कह रहे हैं कि यस्टरडे माय फ्रेंड डिड नॉट इनवाइट मी टू अटेंड हिज बर्थडे बैश. आपने एक कहानी सुनाई कि कल मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट नहीं किया उसका बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए. यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. ठीक है. अब आप ये स्टोरी सुना रहे हैं कि यार उसने मुझे बुलाया नहीं. अब आप कह रहे हैं कि यार अगर उसने मुझे बुलाया होता ना भाई. अब ध्यान से सुनिए. बर्थडे पार्टी को बैश कहते हैं. मैं पार्टी लिख दूं? पार्टी लिख देता हूं जी. हेलो जी. पार्टी लिख दूं? बैश आपको बुरा लग गया? ओके. सो यस्टरडे माय फ्रेंड डिड नॉट इनवाइट मी टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी. अब आप कह रहे हैं कि अगर कल उसने मुझे इनवाइट किया होता ना तो मैंने वहाँ डांस किया होता. तो आप बताइए क्या उसने इनवाइट किया? नहीं किया. सच्चाई नहीं है क्या? आपने डांस किया? नहीं किया. नहीं. तो आप अभी प्रेजेंट में बैठ के क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो? जो हुआ ही नहीं उसके बारे में कह रहे हो कि अगर उसने, हाँ मतलब कि हाँ पछता रहे हो, जो भी, हाँ पछता ही रहे हो एक तरीके से, लेकिन जो हुआ नहीं उसके बारे में सोच रहे हो कि अगर ऐसा होता तो इसका रिजल्ट क्या होता कि मैं तो ऐसा कर देता जी. जैसे कि आप कह रहे हो कि अगर मुझे उसने इनवाइट किया होता, अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं डांस किया होता. हाँ, मैंने नाचा होता. मैं कैसे हिंदी लिखूं? मैंने वहाँ नाचा होता. तो अब यहाँ पर दोनों ही चीज़ें देखो. अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता, ये है आपका कंडीशन. इसको बोलते कंडीशन कि अगर ये शर्त होती तो रिजल्ट क्या होता कि मैंने वहाँ पर डांस किया होता, ये रिजल्ट होता. तो दो टुकड़े आपको मिलेंगे, दो टुकड़े. एक टुकड़ा अगर से शुरू होगा और दूसरा टुकड़ा रिजल्ट होगा. तो अब आपके पास जो नियम है वो नियम क्या है कि जो अगर से चालू होगा आप इफ़ लगाओ, इफ़ के बाद सब्जेक्ट, इसके बाद सीधा हैड लगा दो और हैड के साथ वर्ब की लगा दो थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ये आपका हो गया एक टुकड़ा और ये टुकड़ा कंडीशन वाला है. कॉमा लगाओ. अब रिजल्ट आपको दिखाना है. रिजल्ट में आप लगाओ सब्जेक्ट, इसके साथ वुड लगाओ और वुड के साथ हमेशा हैव लगाओ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और फिर लगाओ जी ऑब्जेक्ट. अब देखो, अब इस पर जरा हम बनाकर देखते हैं. हिना बनाना जरा. सर कैन आई ट्राई? ट्राई जी, ट्राई. इफ शी हैड इनवाइटेड मी देन आई वुड हैव डांस्ड देयर. तो इफ ही हैड इनवाइटेड मी देन आई वुड हैव डांस्ड देयर. आई वुड हैव डांस्ड देयर. मैंने वहां नाचा होता. एकदम करेक्ट है. अब मान लीजिए जिसको ये नहीं आता है ना, वो जुगाड़ पे अंग्रेजी बोलता, पता नहीं विल कुछ भी लगा देता है और वो खुश हो जाता है, वाह वाह मुझे इंग्लिश आ गई. सर नहीं है. तो आप जुगाड़ पे बोलेंगे तो जो दूसरा एक सेंटेंस हम बोले. हाँ बोलिए ना. इफ ही हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव सॉल्वड हर प्रॉब्लम. इफ ही हैड कॉल्ड मी, अगर उसने मुझे बुलाया होता तो आई वुड हैव सॉल्वड. ओके,
हर प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम. तो यहाँ पर शी कर दें जरा, यहाँ शी कर देते हैं. इफ शी हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव सॉल्वड हर प्रॉब्लम. अब सही है, हर है ना प्रॉब्लम. एकदम करेक्ट है. तो इससे ये पता चल रहा है कि उसने बुलाया नहीं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, सब इमेजिनेशन है, सब कल्पना है जी. हम कल्पना कर रहे हैं और कल्पना ये सब पास्ट के बारे में है, कोई प्रेजेंट के बारे में नहीं. कल, परसों, नरसों. ओके सर, एक मैं बोलूं? हैं, मैं बोलूं सर? एक बोल लो जी, बोल लो. इफ आई हैड जी, दसो जी. इफ आई हैड, मैंने एग्जाम दिया होता आईएलटीएस का, इफ आई टेकन द एग्जाम ऑफ आईएलटीएस, I would have been happy today. क्या है स्पेलिंग, क्या है इसकी? I I E L T S. ये ना, yes. हाँ जी, तो एग्जाम दिया होता तो I would have been happy. अच्छा, मैं खुश हो गई होती ऐसा? मनोज है क्या वहाँ पे? मनोज? Yes. मैं बोल. खुश हो गई होती, guys. यहाँ पर पुनीत, आप ऑडियो ऑफ कीजिए. पुनीत, ऑडियो ऑफ कीजिए. सर यहाँ पे गॉट लगेगा क्या? देखिए यही वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा. होने की इंग्लिश होती है बी, तो बी का थर्ड फॉर्म पता है क्या हो जाएगा? आई वुड हैव बीन हैप्पी. यस सर. अब कुछ खास नहीं हुआ, आप डरने की बात नहीं, सीधा ये बीन बी का थर्ड फॉर्म है, तो ये थर्ड फॉर्म से आपको लग रहा होगा बीन क्यों लगा दिया. आप चाहो तो यहाँ गॉट कर दो ना, आई वुड हैव गॉट हैप्पी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. आई वुड हैव गॉट हैप्पी कर दो. हाँ जी बोलिए. If I had seen your face, I would never. If I had seen your face, अगर मैंने आपका चेहरा देखा होता earlier, है? Earlier. Yes, sir. तो I would not have sent my daughter here. Okay, I would not have sent my daughter here. मैंने अपनी बेटी को यहाँ भेजा नहीं होता जी, हैं? यस सर, डांस सीखने के लिए, हैं? टू लर्न डांस. डांस बताना जरूरी है ना, कुछ कोई कुछ और सोच लेगा. सर आप ना मतलब जब भी आपको फ्री टाइम होगा वुड हैव बीन का यूज जरूर बताना, मतलब जहाँ पे बीन लगा होता है वुड हैव बीन. पक्का पक्का पक्का, मैं इसको आज ही बता देता हूँ. एक मिनट सर, आपकी अगली क्लास का टाइम होगा, मैं क्लास को लिंक भेज देता हूँ और मैं अभी या रहने दो, हैं रहने दो, कल बता देना. हाँ कल, क्योंकि फिर वो लोग भी बोर हो जाएंगे कहीं. ओके तो ये समझ में आ रहा है ना वुड हैव का? यस सर. ओके ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि इन ऑर्डर टू क्या होता है, फटाफट इस वीडियो को खत्म करते हैं, नेक्स्ट बैच इज वेटिंग. फाइल को ग्रुप पे शेयर कर देना. ओके जी. सर इफ आई हैड अ पुलिस मैन देन आई वुड हैव पनिश्ड टू यू. अब यहाँ पर थोड़ा सा गलत, इफ आई वर आता ये समझाने के लिए, मैं समझा ही दूं क्या? दो मिनट लगे, हैं समझा दूं? यस या देखिए अभी जो आप सीख रहे थे ना, ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल थर्ड के अंदर हमेशा बात किसकी होती है? पास्ट की बात होती है. ये आपके दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि पास्ट टाइम के बारे में बात होगी. अब एक बंदा कह रहा है कि अगर मैं पुलिस वाला होता, रुकिए जरा मुझे आप लोगों को फेस करके बात करने दीजिए. देखिए एक बंदा कह रहा है कि अगर मैं पुलिस वाला होता, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस वाला अभी होता कि पुलिस वाला वो कल होता, परसों होता, नरसों होता, ये आपको अपने खुद सोचना पड़ेगा. जैसे मैं हूँ अभी, मैं एक टीचर हूँ, मैं कह रहा हूँ यार अगर मैं पुलिस वाला होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो यानी कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार कल कोई घटना घट गई, अगर मैं कल पुलिस वाला होता तो मैं ये कर देता, ये भी हो सकता है. या ऐसे भी हो सकता है कि मैं अभी ही पुलिस वाला होता, मैं अपनी जिंदगी में एक पुलिस वाला होता तो कल मैं ये कर देता, पास्ट में भी मैं ऐसा कर सकता था. इसको बोलते हैं मिक्स्ड कंडीशनल. सुना है कभी मिक्स्ड कंडीशनल? तो ये बहुत बड़ा एक लोचा है. तो मान लो कि मैं एक नॉर्मल लेके चलता हूँ, नॉर्मल लेके चलता हूँ कि यार अगर मैं पुलिस वाला होता ना तो मैं सबकी मदद करता, यानी कि मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि मैं अगर पुलिस वाला होता तो सबकी मदद करता, तो ये वर से बनेगा. इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर I would help everyone. ये है. लेकिन अब मैं आपको शेयर करके बताता हूँ.
एक्चुअली टाइम भी कम है ना, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि इफ़ आई वर अ पुलिस ऑफिसर और मैं बोलता हूँ कि आई वुड हेल्प एवरीवन, इससे साफ पता चल रहा है कि मैं जो कंडीशन दे रहा हूँ वो कंडीशन किस बारे में है, प्रेजेंट के बारे में है। ये है प्रेजेंट का कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन है। और आपको पता है कि रिजल्ट किस बारे में है, ये रिजल्ट आपका प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक को दिखा रहा है। बट सर इसमें अब वुड हैव वो थर्ड फॉर्म कहाँ गई? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वुड हैव तभी आएगा जब पास्ट की बात होगी। ये मैं क्या आपको कह रहा हूँ, यहाँ क्या आ गया, यहाँ प्रेजेंट आ गया। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि कंडीशनल थर्ड तभी लगेगा जब क्या होगा, पास्ट टाइम होगा। तो आप अभी मैंने आपसे कहा कि आप ये सोचिए कि आप पुलिस कल होती परसों होती या आप अभी प्रेजेंट में पुलिस होती, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो अगर आप प्रेजेंट में सोचेंगे, देख लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट लिखा है, तो प्रेजेंट में अगर आप पुलिस होती तो ये पता है ये कंडीशनल जो है ये कंडीशनल सेकंड है, इसीलिए मैंने पुलिस से कहा था कि आपने तीन पूछा है तो दो भी होता है और एक भी होता है और जीरो भी होता है, ये कंडीशनल सेकंड है। कंडीशनल सेकंड के अंदर इंसान प्रेजेंट में रहता है, बस पास्ट नहीं होता, प्रेजेंट टाइम होता है। प्रेजेंट में कल्पना करो और रिजल्ट किसका दिखाओ, फ्यूचर का दिखाओ, प्रेजेंट से फ्यूचर का दिखाओ। जैसे कि अगर मैं अभी पुलिस वाला होता तो मैं अभी तेरी मदद करता, तो प्रेजेंट में भी करता, और मैं अभी पुलिस वाला होता तो कल परसों आने वाले टाइम में हमेशा तेरी मदद करता ही रहता। तो प्रेजेंट से फ्यूचर तक का रिजल्ट होगा। ये बनेगा कैसे एक बार बताता हूँ, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, और वर के बाद अब जो होते वो दिखा दो। फिर रिजल्ट कैसे दिखाओगे, रिजल्ट में आएगा सब्जेक्ट, इसके साथ आ जाएगा वुड, और वुड के साथ आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। If I were a police officer, then I would punish you to you. ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, सही बनाया आपने कि if I were a police officer, तो मैं क्या करता, तुमको पनिश करता, I would punish you. इस तरीके से। तो ये किसी दिन मैं फुर्सत से सारा कंडीशनल सिखाऊंगा। इन्होंने मुझसे जो सवाल किया था कंडीशनल थर्ड था, थर्ड में बस इतना जान लो कि पास्ट की बात है। जैसे कि अगर कल उसने मुझे टच किया होता तो मैंने उसे चाटा मार दिया होता, कैसे बोलूंगा कि इफ ही हैड टच्ड मी आई वुड हैव स्लैप्ड हिम यस्टरडे। तो यस्टरडे से साफ पता चल रहा है पास्ट है, तो पास्ट में भैया हैड के साथ थर्ड फॉर्म रट लीजिए और उसका रिजल्ट वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म रट लीजिए। इसमें कोई वर नहीं आता है क्योंकि कंडीशनल थर्ड है, थर्ड का मतलब पास्ट है। ओके, जैसे अगर आपने मुझे कल बता दिया होता तो मैंने आपका एडमिशन ले लिया होता, कैसे होगा, इफ यू हैड टोल्ड मी यस्टरडे आई वुड हैव टेकन योर एडमिशन। कितना सिंपल है, बस yes, जाते जाते मैं बता दूं कि इन ऑर्डर टू क्या होता है, क्योंकि 9 मिनट हो गया, अगला बैच सोच रहा होगा कि ओ सर जी बंद कर चुके हैं। ओके फाइन, इन ऑर्डर टू होता क्या है, ये तो एक बस एक स्टाइल है, आप खाली इस टू को समझो। इसका मतलब होता है कुछ करने के लिए, जैसे मैं बोलूं कि अंग्रेजी सीखने के लिए तो मैं क्या बोलूंगा, इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। अब बस इतना याद रखना कि टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। तो आपको वैसे भी अगर मैं इसी इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, अंग्रेजी सीखने के लिए टू लर्न इंग्लिश, तो इसी को थोड़ा सा हाईफाई कर दिया, इन ऑर्डर लगा दिया, तो आप कैसे बोलेंगे कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको रोज इंग्लिश में बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक इंग्लिश डेली एवरीडे। इस तरीके से जैसे बॉडी बनाने के लिए मैं जिम जाना चाहता हूँ या मुझे जिम जाना चाहिए बॉडी बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक बॉडी मुझे जिम जाना चाहिए, I should go to gym. ओके, उस लड़की को कजोल करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्या होगा, In order to cajole that girl, I will have to work
हार्ड वर्क हार्ड कुछ भी करना। कजोल क्या होता है? कजोल मतलब पटाना जी, पटाना पटाना। ओके ठीक है जी। यस सर। चलो जी ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके अच्छा, इस फाइल को सेव करके आपको देना भी है? ठीक है मैं सेव कर दूंगा। हां जी फाइन गाइस। ओके गाइस थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय गाइस, थैंक यू, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।